किसान भाइयों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोसी फार्मर में। तो आज आप देखने जा रहे हैं HMT 3511 1992 मॉडल। सक्षम भाई के पास दूसरा भी एक और ट्रैक्टर, ये 3511 है। तो चलिए सक्षम भाई से रिव्यू लेंगे इस ट्रैक्टर का, इन्हें कैसा लगा ये ट्रैक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। भाइयों, ये 1992 मॉडल है, 2021 आ गई। हम जीटर को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ये हमारे पास दूसरा मॉडल है 3511 में, 35 हॉर्स पावर में। और आप देख सकते हैं पिछले टायर 12 के और अगले 6 के हैं। किसान भाइयों, तो चलिए शुरुआत से मैं आपको इस ट्रैक्टर का रिव्यू देता हूँ। किसान भाइयों, ये देखिए फ्रंट में आपको HMT का लोगो मिल जाता है, ओरिजिनल लोगो आज तक लगा हुआ है ये देखिए ट्रैक्टर। और पेंट भी बिल्कुल साफ़ है ट्रैक्टर का, बिल्कुल 1992 से अब तक कितना संभाल के रखा गया ट्रैक्टर है ये देखिए। अगले टायर ट्रैक्टर के 6-16 के मिल जाते हैं ये देखिए। इस सबसे डिफरेंट बात है इस ट्रैक्टर में, ये देखिए इसका ब्रेकिंग सिस्टम, दोनों टायर एक साथ चलते हैं जब, तो इससे हम ब्रेक कंट्रोल कर सकते हैं इसकी राइट और लेफ्ट पोजीशन करने से। ये देखिए इसके हाई लो का गियर है, ये इसका PTO प्लस हाइड्रोलिक्स का गियर है। और ये देखिए इसका इंडिपेंडेंट क्लच 4 PTO। ये देखिए इसके लीवर, ड्राफ्ट और पोजीशन लीवर दोनों एक ही लीवर में दिए गए हैं। और एक ये इसका ऑक्सिलरी वॉल्व के लिए अलग से लीवर दिया गया है, इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व के लिए ये इस। और ये लीवर इसकी हाइड्रोलिक्स की डेप्थ और हाइट एडजस्ट करने के लिए होता है। और एक लीवर 25 ग्राम में यहाँ पे भी आता था, जिससे हम इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते थे। तो ये देखिए वही जीटर का पुराना मीटर, ये देखिए इस मीटर की यही खास बात है, इसके गियर के हिसाब से इसकी किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी पता लग जाती है और RPM भी एक साथ पता लग जाते हैं ट्रैक्टर के। और यहाँ पे ये देखिए एक साइड लेफ्ट में ये इसका टेम्परेचर मीटर दिया गया है, और राइट साइड में देखिए ये इसका टेम्परेचर मीटर है, सॉरी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में इसका ऑयल प्रेशर मीटर दिया गया है। ये देखिए ट्रैक्टर में यहाँ पे इसका गियर चार्ट दिया जाता था कि कौन से गियर में आपको ट्रैक्टर को बहती में चलाना है और ट्रॉली पे चलाना है। 10 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर के साथ आता था, मतलब 12 गियरों के अंदर आता था उस टाइम ये ट्रैक्टर। और इसका जो हाई लो गियर है वो बहुत ही कामयाब है रीपर्स के ऊपर, सुपर सीडर में आज भी चलता है ट्रैक्टर बहुत ही आराम से। और ये देखिए बोनट के अंदर ही इसका एयर क्लीनर भी आता था। ये देखिए इसकी पुरानी शो 25-11 वाली, सिंगल टाई रोड में आता था इसका स्टीयरिंग। ये देखिए यहाँ पे इसका पंप दिया गया है डीजल पंप। ये देखिए HMT की मोहर है यहाँ पे, ये 92 की, बिल्कुल ओरिजिनल ट्रैक्टर है, आज भी कहीं से कहीं तक कोई छेड़ नहीं की गई है ट्रैक्टर के साथ। ये देखिए वही अपना HMT का टूल बॉक्स, मड़गाड़ी बहुत मजबूत आए हैं इस ट्रैक्टर के। और ये स्टेयरिंग इस ट्रैक्टर की पहचान है HMT की, कोई भी HMT ट्रैक्टर हो उसमें आपको यही स्टेयरिंग मिलेगा। और यहीं हाथ में इसकी रेस भी दी गई है देखिए यहाँ पर, और ऊपर ही इसका गियर लीवर है। लिफ्टोमेटिक कंट्रोल के साथ आता था ये ट्रैक्टर। ये देखिए पिछले टायर 12/4/28 के हैं ट्रैक्टर के। ये देखिए 3-पॉइंट लिंकेज की सेंसिंग देखिए इस ट्रैक्टर की, कितना शानदार है। पहले से ही लिफ्टोमेटिक इसका शानदार रहा है लिफ्ट के मामले में। और ये देखिए इस ट्रैक्टर में आपको हैरो के लिए अलग से हिच मिल जाता है, ये हैरो के लिए पहले हिच आता था, अब कोई से भी ट्रैक्टर में नहीं आ रहा है। और ये देखिए जीटर को कहते हैं कि हव रिडक्शन इसका ख़राब रहता है, लीकेज करता है, पर ये देखिए कहीं से कहीं तक ट्रैक्टर पर कोई लीक नहीं है। ये देखिए पिछले हव रिडक्शन में देखिए कहीं से कहीं तक कोई लीक नहीं दिख रहा है आपको इस ट्रैक्टर में। और ये देखिए हव रिडक्शन की ये सपोर्ट दी जाती है हैवी ड्यूटी वर्क्स के लिए, ये देखिए सपोर्ट दी गई है मडगार्ड के लिए। और ये इसकी लिफ्ट पट्टी देखिए कितनी मजबूत दी गई है इस ट्रैक्टर की देखिए, बहुत ही हैवी ड्यूटी वर्क्स के लिए है ये ट्रैक्टर।
ये देख, और किसान भाइयों जिसे भी HMT जीटर का शौक़ है वो प्लीज़ कमेंट करें मेरी यूट्यूब वीडियो के ऊपर। किसान भाइयों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें HMT और जीटर के फैंस के साथ।